कैसे बड़ा दिख रहा है। ये वाला भी देख गया है, इसको भी निकाल लेते हैं, फिर इसको अच्छे से दबाएंगे। नमस्कार दोस्तों, विलेज लव कपल ब्लॉग में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं कुछ रेसिपी। तो आप बताओ क्या बनाएंगे? दोस्तों मैं नहीं बताऊंगा, ये बताएंगे क्या बनाएंगे तो आज, क्योंकि मुझसे पूछना था दोस्तों इनसे, और इन्होंने मुझसे पूछा तो मुझे तो पता नहीं है दोस्तों ये क्या बनाने वाली हैं। और दोस्तों हम आज बनाने वाले हैं, काफ़ी दिनों बाद दोस्तों हम गैस सिलेंडर और चूल्हे पर खाना, क्योंकि अभी दोस्तों हम बनाते थे चूल्हे पर खाना, जो मिट्टी का चूल्हा था उस पर खाना बनाते थे, लेकिन अभी क्या बरसात का सीजन चल रहा है दोस्तों, और ईंधन भी गीला हो गया है तो गैस भरवानी पड़ी, तो गैस सिलेंडर भरवा लिया है। तो बहुत दिनों बाद हम गैस पर खाना बनाने वाले हैं और इसी खुशी में हम कुछ मीठा बनाएंगे। तो आज क्या बनाने वाली है स्वादी मीठे में? तो आज हम बनाने वाले हैं मैदा और आटे के बहुत ही स्वादिष्ट मालपुए, गांव के तरीके से। आप देखिएगा कैसे बनाएंगे। दोस्तों मालपुए सुनकर मेरे मुँह में तो पानी आ गया दोस्तों, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं स्वादी मालपुए और क्या क्या विधि होती है मालपुए बनाने की दोस्तों, तो आप देखें। तो सबसे पूरा सामान हमने यहाँ पे रख लिया है, ये गेहूं का आटा है, छान लिया है हमने, इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर हमने, आपने देखा कि आटा मिला लिया, इसमें हमने मैदा भी मिला लिया है, और मैदा मिला लिया है, अब इसमें मिलाएंगे हम शक्कर जितनी आवश्यकता होगी उतनी। आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा ही मिला सकते हैं, कम मीठा पसंद है तो कम शक्कर मिला सकते हैं। मुझे तो ज़्यादा मीठा पसंद है तो मैं शक्कर थोड़ी ज़्यादा मिलाऊंगी। फिर इसको ऐसे मिला देंगे, फिर इसको घोलेंगे पानी से। इसमें हम पानी मिला लेते हैं, इसको घोल लेते हैं, पेस्ट बनाएंगे या इसका ऐसा। पेस्ट बन गया है, अब इसके हम मालपुए बनाएंगे। ये मालपुए बनाने के लिए रेडी है, बहुत टेस्टी मालपुए बनेंगे दोस्तों गांव के तरीके से। कढ़ाई रख देते हैं, हम डालेंगे इसमें तेल, ये डाल दिया है। अब इसी में निकालेंगे हम बारी बारी से एक एक करके, जब तक तेल गर्म हो रहा है दोस्तों। तेल वो गर्म अच्छे से कर लेते। और दोस्तों बहुत दिन से मैं थोड़ी सैड हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि व्यूज नहीं आ रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या देखना पसंद है, तो आप क्या देखना चाहते हो। अगर आप जो भी देखना चाहते हो कमेंट करिए, हम उस बनाने का प्रयास करेंगे। और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी लो होता जा रहा है और वीडियो बनाने का खास मन भी नहीं करता, लेकिन फिर भी बना रहे हैं हम आपके लिए। तो बस आपसे ये चाहते हैं कि आप सपोर्ट करें। पहले बहुत अच्छी वीडियो चल रही थी, अब पता नहीं क्यों व्यूज नहीं आ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा, हमें खुद ही पता नहीं चल रहा है। तो दोस्तों आप सपोर्ट करें, स्वाति जी का मनोबल बढ़ाएं, और बहुत सैड सैड लग रही है दोस्तों, इनका मन भी नहीं कर रहा, तो मैं इनको मनाने के बाद दोस्तों आज वीडियो बनाने की तैयार हुई हैं और आप सबके लिए मालपुए बना रही हैं। और कढ़ाई भी दोस्तों गर्म हो चुकी है, इसमें डालेंगे मालपुए। तो किस प्रकार से डालते हैं आप देखें, गल गया है। अब ये उठेगा, अपने आप उठेगा ये सिकने के बाद। ये देखिए दोस्तों ऐसे उठ रहा है, फूल ही रहा है, ये हो गया, देखो दोस्तों कैसे फूल गया है। अब इसको ऐसे पलट लेंगे, बहुत अच्छे से फूला है ये। ये थोड़ा छोटा बना है, इससे और बड़ा बनाने का प्रयास करेंगे कि थोड़े बड़े बड़े और बने। और ये शक्कर के मालपुए हैं, क्योंकि गुड़ के हमें ज़्यादा पसंद नहीं है, अच्छे नहीं लगते, तो शक्कर के ही बनाए हैं।
और आपको किसके अच्छे लगते हैं, गुड़ के या शक्कर के, वो भी कमेंट में बताएं हमें। और दोस्तों बहुत दिनों बाद गैस पे खाना बना रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि चूल्हे पे धुआं वगैरह होता है तो थोड़ी परेशानी होती है, गैस पे बिल्कुल परेशानी नहीं हो रही है। ये देखिए इसको हम निकाल लेते हैं, बहुत अच्छे से सिक गया है। और ऐसे इसका तेल निकाल देंगे, ये बन गया है। एक और भी बना लेते हैं हम दोस्तों, ऐसे ही सारे के सारे बारीक बारीक से बना लेते हैं। देखो दोस्तों कितने अच्छे से बना, ये वाला थोड़ा बड़ा डाला है, देखो कैसे बड़ा दिख रहा है। और इसमें थोड़ा मैदा भी डाला है तो और भी ज़्यादा अच्छी लगेंगी, आप खा के देखना मैदा मिला के आटे में तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। देखिए उसमें ये वाला भी सिक गया है, इसको भी निकाल लेते हैं। पहले इसको अच्छे से दबाएंगे ऐसे, जिससे इसमें जो तेल वगैरह होगा ना वो इसी में निकल जाएगा। ऐसे ही बना लेते हैं, सारे बना के बताएंगे आपको। देखिए दोस्तों इतने सारे मालपुआ बनकर के हो गए हैं तैयार। और दोस्तों बहुत दिनों से मीठा नहीं बनाया था तो आप लोगों के लिए स्पेशली ये मीठा बनाया है, ये मीठे की रेसिपी हम लेकर के आए हैं। और आप भी एक बार बना के अवश्य देखिएगा, हमारे गाँव के तरीके से बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि आपको इसी प्रकार के गांव के रिलेटेड ब्लॉग और हमारे डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो वीडियो को अगर देखें तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।